हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड गुड लाइफ। मैं हूँ पारुल और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाकर एडिट कर उसको पोस्ट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, नए घर में मेरी पहली कुकिंग है। मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और नए घर में आए हैं तो कुछ मीठा तो बनता ही है, तो हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उसके लिए हम पैन में देसी घी डालेंगे, गरम करेंगे और यहाँ मैंने ली है मीडियम वाली सूजी। एक तो बिल्कुल बारीक आती है, एक मीडियम आती है और एक थोड़ी मोटी आती है सूजी। यहाँ मैंने मीडियम वाली सूजी ली है और अब हम सूजी को घी में डालकर हल्का ब्राउन भून लेंगे। सूजी को हम जितना अच्छा भूनेंगे सूजी का हलवा हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। आज हम ने भगवान भी अपने मंदिर में लगा लिए हैं तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाते हैं, तो सबसे पहले उनका भोग लगाएंगे हम, उसके बाद हम कुछ और बनाएंगे यानी कि कुछ खाना बनाएंगे। और सबसे पहले हम सूजी का हलवा नए घर में बनाएंगे। भून लेंगे सूजी को अच्छे से लिए और सूजी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए जैसे आपको खाना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी की जगह आप दूध भी ले सकते हैं, दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने दूध इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा बेटा दूध नहीं इसमें खाता है तो उसको नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन आप बनाइए तो दूध ज़रूर डालिए, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। हलवा हमारा यानी कि सूजी हमारी अच्छे से पक जाएगी और हलवा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम गैस को का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम ऐसे ही सूजी का हलवा बनकर तैयार है। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको भून लिया था। जितना हम ज़्यादा अच्छा भूनेंगे हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे नारियल है और चिरौंजी और बादाम, आप चाहें तो काजू और किशमिश भी ले सकते हैं। और अब हम हलवे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसके ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और ये थी मेरे घर की, नए घर की पहली रसोई। और वैसे तो ये सूजी का हलवा सभी लोग बनाते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चे लोग तो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। ये पूजा पाठ में भी ज़्यादातर बनता ही, नवरात्रि में तो हर किसी के घर में बनता है। ड्राई फ्रूट डालकर और अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।